हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और साथ ही साथ इसके टाइप्स के बारे में। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, जैसे कि ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको एक बार जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक्टिव इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया था, उसको मैं एक बार समराइज कर दूं कि मैंने आपको इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या बताया था। तो मैं इस टेबल के फॉर्म में आपको वो समराइज कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मैं टाइप्स बताऊँ वो सब समझने में थोड़ा ईजी हो। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी एक्सपोज होती है फॉरेन मॉलिक्यूल्स में, लाइक वायरसेज और बैक्टीरिया, तब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी जो मैकेनिज्म होती है जो हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है इस वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी जो है लाइक इट गेट एक्सपोज टू द फॉरेन मॉलिक्यूल लाइक करता है बैक्टीरिया एंड वायरस, देन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज इननेट इम्यूनिटी। ओके, देन इन दिस इननेट इम्यूनिटी देन इट रिक्वायर्स सम इम्यून सेल्स। ओके, व्हाट आर दोस सेल्स? तो नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। ओके, तो ये क्या है, ये इननेट इम्यून सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये उस वायरस के अगेंस्ट या उस फॉरेन मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद क्या करते हैं, उस वायरस के जो डिफरेंट उसमें पार्ट्स लाइक द प्रोटीन पार्ट्स उसे ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में। फिर जो मैक्रोफेजेस हैं दे सेंड दोस पीसेस टू बी सेल्स एंड देन बी सेल्स मेक द एंटीबॉडीज। तो दीज आर द सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय द वायरस। वही अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो दो सेल्स हैं वो टी सेल्स हैं और बी सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंटीजन नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये जो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स है ये एंटीजन नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये कोई सा भी फॉरेन मॉलिक्यूल हो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ये तुरंत अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कर देते हैं और उस वायरस को किल करने की कोशिश करने लगते हैं। ओके, बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज एंटीजन स्पेसिफिक। ओके, मींस ये क्या करते हैं, इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के फॉरेन मॉलिक्यूल चाहे वायरस और बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और जब भी अगर दोबारा री इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी तुरंत प्रिपेयर कर लेते हैं और उस वायरस को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसीलिए एंटीजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म। अब न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे यूज फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म एंड देन एलिमिनेट द वायरस। वही जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं इट सिक्रेट सम केमिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी परफोरिंस एंड आल्सो ग्रैनजाइम्स एंड देन किल द टारगेट लाइक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, हियर नो सच मैकेनिज्म इज फाउंड। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये बस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज की हेल्प से क्या करते हैं, वायरस को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज नो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस। ऑब्वियसली क्या होता है, इन ड्यूरिंग इननेट इम्यून रिस्पॉन्स नो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस, हियर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस एंड दीज मेमोरी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल एंड ऑर्डर्स द बी सेल्स टू अगेंस्ट मेक द एंटीबॉडीज इफ द सेम वायरस ऑफ सेम स्ट्रेन लाइक एंटर्स अवर बॉडी। ओके, देन दीज मेमोरी सेल्स दे ऑर्डर द बी सेल्स टू मेक द एंटीबॉडी एंड देन बी सेल्स मेक एंटीबॉडी एंड देन एलिमिनेट द वायरस। नेक्स्ट फास्ट रेस्पॉन्स। ऑब्वियसली वेन एवर अवर गेटिंग बॉडी गेट्स एक्सपोज टू फॉरेन मॉलिक्यूल देन इननेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट गेट एक्टिवेटेड इमीडिएटली। सो इट्स अ फास्ट रेस्पॉन्स, हियर इट इज अ स्लो रेस्पॉन्स बिकॉज दे वेट लाइक अबाउट द इननेट इम्यूनिटी लाइक इननेट इम्यून सेल्स लाइक इफ दे किल द वायरस देन इट डोंट कम इन पिक्चर बट इफ दिस इननेट इम्यून सेल्स दे आर अनेबल टू डिफीट द वायरस देन दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी कम्स इनटू पिक्चर एंड देन helps in eliminating the virus from the cell. Next, no antibody produced, obviously. During innate immune response, no antibodies produced, but these macrophages, they send the broken pins to the B cells and then B cells produce antibodies. Okay, तो ये एक basic overview हो गया जो मैंने अपने last lecture में आपको बताया था innate immunity और acquired immunity के बारे में। तो हम अब पढ़ेंगे acquired immunity और इसके types के बारे में। Okay? इसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
और वी कैन से दिस एज अ एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आल्सो. ओके तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, एंड द सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी. ओके तो फर्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी. सो व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? सो whenever our body get exposed to the foreign molecules naturally, okay, then whatever the immunity we get or we got, that is called the active immunity. Okay, so whatever the immunity we produce, that is called the active immunity. So natural exposure to foreign molecule, then the immunity produced is called active immunity. Okay, so this, whenever we get exposed naturally to the foreign molecules, then the immunity we produce is called the active immunity. Okay, अब हम बात करते हैं passive immunity के बारे में. तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? सो पैसिव इम्यूनिटी सपोज कोई पर्सन है, जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं. तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने पे क्या हो रहा है कि जो पर्सन जो रिकवर हो जा रहे हैं, अगर जो पर्सन रिकवर हो गए, अगर हम लोग उनका एंटीबॉडी ले लें और वो ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन में, तब इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है उसे हम लोग बोलते हैं, या इस टाइप का ट्रांसफर होने के बाद जो पर्सन रिकवर करता है उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफर of antibodies from immune person to non-immune person. Then it is called passive immunity. Okay, so the transfer of antibodies from an immune person to the non-immune person, then this type of immunity is called the passive immunity. Okay, अब क्या होता है कि बहुत से साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जो एनिमल्स है, रैट्स है, या हम कह सकते हैं चिंपैंजी या मंकी, उस पर भी है, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं, अब सपोज कोई वायरस है, ठीक है, सपोज कोरोना वायरस ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज है, सॉरी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसको स्पेसिफिक क्लीव कर लेते हैं. क्लीव करने के बाद जो अनहार्म पार्ट होता है, यानी कि जो पार्ट पैथोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, जो डिजीज ना कॉज कर सके, उस पार्ट को रिमूव करके जो हेल्दी पार्ट है उस प्रोटीन का, उसे इंजेक्ट कर देते हैं किसी भी एनिमल्स में. अब क्या होता है, एनिमल्स पे इंजेक्ट कर, तो उसके बाद क्या होता है, जो एनिमल्स है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और वो क्या करता है, उनसे फाइट करता है, फिर क्या होता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, अब अगर हम उस एनिमल से एंटीबॉडी लेके किसी और होस्ट में डाले, यानी कि वी ट्रांसफर द एंटीबॉडी फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द एनिमल टू द अदर होस्ट, ओके, तो आफ्टर दैट द इम्यूनिटी विच वी जनरेट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी. ओके, क्योंकि उस एनिमल ने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट किया, अब उन्होंने क्या किया, उस एंटीबॉडी को लेके क्या किया, दूसरे होस्ट में डाल दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, इस टाइप के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी. ओके, तो अब हम एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है.
दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी. तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सपोजर टू फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इज वायरस और बैक्टीरिया. हियर नो सच एक्सपोजर. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग द अनहार्म्ड पार्ट ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल. इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी कैन बी अचीव बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज. ओके, नेक्स्ट क्या है, इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. नो सच एक्टिवेशन इम्यून सिस्टम. मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस्ड, नो मेमोरी सेल्स, नो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस्ड. Immunity remains for the weak. तो अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स को. तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है. अब हम इसे एक टेबल के फॉर्म में इस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच. तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, व्हेनेवर आवर बॉडी गेट एक्सपोज टू अ फॉरेन मॉलिक्यूल्स चाहे वायरस और बैक्टीरिया. ओके, बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी नो सच एक्सपोजर इज देयर. सेकंड पॉइंट क्या है, इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग द अनहार्म्ड पार्ट ऑफ द फॉरेन मॉलिक्यूल, ठीक है. पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज. ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग कोई भी वायरस का जो पार्ट्स है, प्रोटीन पार्ट्स है, अगर वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है कि मेमोरी सेल्स बना लेता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक एक्टिव इम्यूनिटी कैसे अचीव कर सकते हैं. फिर जो इम्यूनिटी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन से एंटीबॉडीज ले रहे हैं जो इम्यून है उस वायरस के अगेंस्ट और फिर ट्रांसफर कर दे रहे हैं नॉन इम्यून पर्सन में, ठीक है. तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इट कम्स बाय इंजेक्टिंग द एंटीबॉडीज फ्रॉम द नॉन फ्रॉम द इम्यून पर्सन टू द नॉन इम्यून पर्सन. इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड ऑब्वियसली व्हेन एवर आवर बॉडी लाइक गेट एक्सपोज टू फॉरेन मॉलिक्यूल्स देन द इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. बट इन पैसिव इम्यूनिटी नो सच एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इज देयर. ओके,
नेक्स्ट है मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस. सो इन एक्टिव इम्यूनिटी व्हाट बी सेल्स डू, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज फॉर दैट स्पेसिफिक वायरस. ओके एंड अलोंग विद दैट दे आल्सो प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स. बट इन पैसिव इम्यूनिटी नो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस बिकॉज लाइक पेशेंट डोंट एक्सपोज टू द वायरस नेचुरली. ओके नेक्स्ट इम्यूनिटी रिमेन्स इन द बीइंग्स. लाइक अब वॉट एवर द एंटीबॉडीज विच जनरेट ड्यूरिंग एक्टिव इम्यूनिटी दे विल सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर सम वीक्स. And in that week, like if suppose you again you get reinfected the same virus or the same strain, then these antibodies they will eliminate the virus. But in passive immunity, no such activity is there. Okay, and the immunity develops immediately. Okay, because in this case, whatever the antibodies they are transferring from the same from the immune person to non-immune person, these antibodies they don't multiply. Okay, so it just responds immediately. Okay, so these are some points through which we can differentiate between the active immunity and the passive immunity. Okay, so I hope मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. धन्यवाद.